पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संविदा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना शुरू कर दिया और मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में भी धरने पर बैठ गए। पिछले काफी समय से विभिन्न भागों में कार्य कर रहे संविदा कर्मी वेतन न मिलने से परेशान होकर अपनी वेतन की मांग उठा चुके हैं। सबसे अधिक संख्या में संविदा कर्मी प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के अनुसार इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ये अनेक संगठनों के माध्यम से अपनी मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में एक आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्य कर रहे सैकड़ों संविदा कर्मी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए समान काम समान वेतन की मांग उठाई है। ये प्रदर्शनकारी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे और उस समय तक काम न लौटने की बात कही जब तक उनका वेतन समय पर और स्थायी कर्मचारी के बराबर न हो जाए। मंडल अध्यक्ष। अच्छा, आज जो ये मांग, क्या मांगे हैं आपकी, किन मांगों को लेकर के आप लोग धरना? सर, हम लोगों की मांगे हैं कि हम लोगों की सैलरी, हम लोगों का वेतन इतना ही दिया जाए जितना मतलब परमानेंट वालों को दिया जाता है, और समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। हम लोगों के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए जो कि होता है। हम लोग इतनी इतनी दिन और रात ड्यूटी करते हैं, लेकिन हम लोगों को वेतन टाइम पे और समय पे नहीं दिया जाता। मेरी जो बहनें हैं वो लोग ANM बहनें हैं, मेरे साथ में जो लड़कियां हैं वो लोग जो मतलब डिलीवरी पर अपनी छुट्टियां लेकर के जाती हैं, उन लोगों का वेतन मेरा अभी तक नहीं मिल पाया। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी कि हम लोगों का भी समान कार्य है तो समान वेतन ही मिलना चाहिए। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट आए हैं, कौन कौन से मतलब आप काम बंद कर रखते हैं? जी, संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग के मतलब संविदा कर्मचारी हैं, सभी लोग एकजुट होकर के हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम लोग ये स्ट्राइक बराबर करते रहेंगे। तो आपने काम बंद कर रखा? जी सर, जी जी, हम लोगों ने MR इस समय बिल्कुल बंद कर रखा है। कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी कोई भी अपना वर्क नहीं करेगा।